नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10 टिप्स लाया हूं, खासकर बिगनर्स के लिए जो कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और बोलते हैं प्लांट हमारा मर जाता है। तो बहुत ही आसान टिप्स है और एक्सपर्ट लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए आज खासकर ये वीडियो है। तो दोस्तों, प्लांट को आपको समझना होगा और क्या 10 ऐसे टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करने से आपका प्लांट एक्सपर्ट की तरह होगा, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फाउंडेशन घर का अच्छा रहता है तो आप घर अच्छा बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रहता है घर, और पॉटिंग मिक्स अगर अच्छा है तो ऊपर से प्लांट आपका अच्छा ही दिखेगा दोस्तों, और उसमें फटाफट से ग्रोथ आएगा, डिजीज कम लगेगा और फूल और फल भी ज्यादा आएगा। तो पहला चीज हमारा दोस्तों पॉटिंग मिक्स अच्छे से बनाना है, और सब प्लांट के लिए अलग अलग पॉटिंग मिक्स रहता है, क्योंकि किस किस मीडिया दोस्तों हार्ड रहता है, तो हार्ड मीडिया में कुछ कुछ प्लांट अच्छे रहते हैं, कुछ कुछ सैंडी सॉइल में अच्छा रहते हैं, कुछ कुछ क्ले सॉइल में अच्छा रहते हैं। तो प्लांट जान के आपको पॉटिंग मिक्स बनाना पड़ेगा, और पॉटिंग मिक्स अगर आप अच्छे से बना लिए दोस्तों तो 4-5 महीना तक आप भूल जाइए, आपका प्लांट बहुत अच्छा करेगा। तो जनरली पॉटिंग मिक्स क्या करते हैं हम, सैंडी सॉइल लेते हैं, अगर आपका हार्ड सॉइल है तो उसमें सैंड मिला सकते हैं, और 70-30 का रेशियो लिया जाता है, 70 आपका सैंडी सॉइल और 30 जो रहता है आपका भर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद। तो ये मेन रोल प्ले करता है दोस्तों, गोबर का खाद हमेशा सड़ा हुआ वाला लेना चाहिए, और अभी भी आप विंटर सीजनल सभी खरीद के लाएंगे तो उसे भी आप 70-30 रेशियो में लगा सकते हैं, और पॉटिंग मिक्स अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। और उसमें दोस्तों बोन मील, नीम केक फर्टिलाइजर और आपका मस्टर्ड के पाउडर ये सब आप डाल सकते हैं अलग से, तो वो तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर सब रहता है और प्लांट अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉट साइज। पॉट साइज ये कैसा रहना चाहिए दोस्तों, देखिए सब प्लांट के लिए पॉट साइज अलग अलग रहता है। जैसे कालांचो आप लगाते हैं, कालांचो के लिए 6 इंच का पॉट बहुत है दोस्तों, और आप मंदार लगा रहे हैं या फिर डालिया लगा रहे हैं तो उसके लिए 12 इंच का पॉट लीजिए, और कुछ परमानेंट पौधा रहता है उनके लिए 14 इंच का पॉट लीजिए। ऐसे छोटा बड़ा पॉट साइज रहता है, और स्टार्टिंग जो सीजनल आप लगा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए आप गुलदावड़ी लगा रहे हैं तो गुलदावड़ी को डायरेक्ट आप 12 इंच के पॉट में लगा देंगे तो उसका रूट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पानी ज्यादा होल्ड होगा और वो दोस्तों रूट रोट होगा। तो पहले क्या करते हैं, उसे 4 इंच के पॉट में लगाते हैं, रूट ग्रोथ आ जाता है, फिर 6 इंच के पॉट में लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके 10-12 इंच के पॉट में फाइनली शिफ्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सब फंडामेंटल नॉलेज है, और धीरे धीरे गार्डनिंग करते करते हुए आपको ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों, तो बिगनर्स ये सब नहीं जानते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों ग्रोइंग सीजन। आपको जानना पड़ेगा प्लांट का ग्रोइंग सीजन कौन सा है। देखिए कुछ कुछ प्लांट विंटर में अच्छा फ्लावरिंग करते हैं, कुछ कुछ स्प्रिंग में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ कुछ समर में, तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। और अभी मान लीजिए आपका विंटर सीजनल सब लगा रहे हैं, तो मान लीजिए गेंदा लगा रहे हैं, तो गेंदा अभी आप खरीद के ला सकते हैं, छोटा छोटा सीडलिंग सैपलिंग सब, और उसको फूल आने में करीब 45 से 50 दिन लगेगा, यानी कि अभी आप लगाएंगे तो 2 महीना आगे मान लीजिए फ्लावरिंग करेगा। तो अभी आप समर का कुछ लगाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। तो सीजन जान के आपको प्लांट सब खरीदना है और उसी हिसाब से लगाना है, और मेरे हिसाब से तो सभी सीजन का प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि गार्डन में आपका फूल हमेशा खिलना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों डिजीज। डिजीज अगर प्लांट पे लगता है तो जितना अच्छा प्लांट भी आपका रहेगा दोस्तों खराब हो जाएगा। तो बहुत तरह का कीड़ा लगते हैं और बहुत तरह का डिजीज आता है, आपको डिजीज के बारे में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा दोस्तों। खासकर आपका मंदार में या गुड़हल में लगते हैं मिलीबग, जो सफेद सफेद कीड़ा रहते हैं, और सेवंती में लगते हैं आपका एफिड्स, और गुलाब में लगते हैं खासकर आपका थ्रिप्स और माइट्स, ये सब आपको जानना पड़ेगा, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, और कौन सा डिजीज में कौन सा केमिकल या फिर इंसेक्टिसाइड डालना है वो आपको आना चाहिए दोस्तों। और बहुत सारे लोग नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, लेकिन अभी ये आपका कीड़ा सब इतना पावरफुल हो गए हैं कि नीम केक से नहीं जाते हैं दोस्तों। तो मार्केट से कुछ इंसेक्टिसाइड आपको खरीद के लाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना पड़ेगा, उसका इंटरवल भी रहता है, 7 दिन के इंटरवल में, 10 दिन के इंटरवल में स्प्रे किया जाता है। और कुछ कुछ इंसेक्टिसाइड जो रहता है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ आपको,
इमिडाक्लोरोपिड रहता है, उसे आप खरीद के ला सकते हैं, मल्टीपर्पज काम करता है दोस्तों, तो उसे आप स्प्रे कर सकते हैं हर 10 दिन में। और रहता है काका, काका एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पीजीआर भी है दोस्तों, उसे अगर इन दो को आप यूज करेंगे तो बहुत सारे डिजीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और लीफ कटर रहते हैं जो पत्तों को खाते हैं, कैटरपिलर सब, वो ये इमिडाक्लोरोपिड में नहीं जा सकता है, तो उसके लिए प्रोफेक्स सुपर आप यूज कर सकते हैं, या फिर सुपर डी आता है, सुपर डी, प्रोफेक्स सुपर और कोरसा भी आता है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिपस साइपरमेथ्रिन रहता है दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग तरह का इंसेक्टिसाइड रहता है, उसको आप रखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए दोस्तों। कुछ कुछ प्लांट दोस्तों इंसेक्टिसाइड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे हिबिस्कस आपका सब तरह का इंसेक्टिसाइड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसमें आपको थायमोटोक्सिन, काका और कन्फिडर जो आता है इमिडाक्लोरोपिड, ऐसे 2-3 इंसेक्टिसाइड को ये बर्दाश्त करता है। इसमें अगर आप हार्ड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो इसका पत्ता दोस्तों येलो हो सकता है, तो कुछ कुछ प्लांट सेंसिटिव रहते हैं और उनके हिसाब से आपको इंसेक्टिसाइड सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आप खाना लेते हैं वैसे प्लांट भी खाना लेता है, और उसे अगर ठीक तरह से खाना मिल जाए दोस्तों, स्टार्टिंग ग्रोथ अगर किसी भी प्लांट को अच्छा मिल जाए तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है, और डिजीज रेजिस्टेंस भी उसको मिल जाता है। तो दोस्तों फर्टिलाइजर अगर आप ठीक से देते हैं और टाइमली देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एनपीके 19:19:19 वो एक बैलेंस फर्टिलाइजर है, और उसे अगर आप देना आ गया दोस्तों तो आप सभी प्लांट में दे सकते हैं। 1 लीटर में 1 चम्मच आप दे सकते हैं, और उसको हर 10-12 दिन में आप दे सकते हैं दोस्तों। छोटा प्लांट है लाइट डोज दीजिए, बड़ा प्लांट है तो 1 से 1.5 चम्मच आप दे सकते हैं दोस्तों। तो 19:19:19 क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, वो तीनों बैलेंस होकर रहता है उसमें, और प्लांट किसी भी स्टेज में हो वो फर्टिलाइजर को लेता है। और अगर स्टार्टिंग ग्रोथ आप चाहते हैं तो प्लांट में दोस्तों, तो नाइट्रोजन दे सकते हैं, फॉस्फोरस दे सकते हैं, और फूल और कलियां के टाइम में पोटास रिच फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। ये सब फंडामेंटल नॉलेज है, आपको इंटरनेट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में भी मैं कुछ कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आपका इंडोर प्लांट सब रहते हैं, उनको उतना हाई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, उनको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और आपका सुपर फॉस्फेट और ये बायो डीएपी आता है, ये सब आप दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे गमले में वो मिलता रहेगा और प्लांट उसे लेता रहेगा दोस्तों। और फोलिएज प्लांट सब जो ऑर्नामेंटल प्लांट सब रहते हैं, उन सभी को भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस थोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है रूट ग्रोथ और फोलियर ग्रोथ के लिए। पोटास का कुछ खास रोल उसमें रहता नहीं है। और फल का पौधा दोस्तों, फल का पौधा में आपको तीनों चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। और पोटास अगर ठीक से भी नहीं मिलता है तो कलियां सब गिरता है दोस्तों, खासकर नींबू में, आम में, यह सब देखा जाता है, अनार में। तो एनपीके का रोल मेन रहता है, एनपीके को आपको समझना पड़ेगा, ये दोस्तों फंडामेंटल नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। मान लीजिए गुलाब का मैं एग्जांपल देता हूँ, गुलाब का देखिए अक्टूबर में, नवंबर में उसका प्रूनिंग किया जाता है और आगे के लिए उसको रेडी किया जाता है। तो जिस भी प्लांट का ग्रोथ टाइम आ रहा है दोस्तों, उससे पहले उसको रिपोर्टिंग या फिर प्रूनिंग ये जरूरी रहता है। और खासकर देखिएगा आप फल के पौधों में मार्च में ग्रोथ आता है तो फरवरी में आप उसे रिपोर्ट या फिर प्रूनिंग कर सकते हैं, साइज में शेप में लाना पड़ता है दोस्तों। अगर नीचे प्लांट आपका लगा हुआ है तो कोई झंझट नहीं है, अगर गमले में लगा हुआ है तो उसे शेप में, साइज में रखना पड़ता है, और लिमिटेड जगह रहता है गमले में, इसलिए उसका नीचे का रूट पेड़ काटना पड़ता है दोस्तों। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दोस्तों वाटरिंग। वाटरिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विंटर में आप एक टाइम वाटरिंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन समर में आपको 2-3 बार वाटरिंग करना पड़ता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपका पॉटिंग मीडिया, मीडिया आपका पानी कितना होल्ड कर रहा है उसके ऊपर दोस्तों। तो मीडिया अगर आपका जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है तो आप समर में प्रॉब्लम होता है, और इसलिए आप मल्चिंग कर सकते हैं और थोड़ा कोको चिप्स, कोकोपीडिया सब डाल सकते हैं दोस्तों, जो पानी होल्ड करके रखता है। और विंटर में आपको पानी ज्यादा नहीं देना है, गमला ड्राई हो जाए फिर आपको पानी देना है। इसमें क्या होता है, रूट हेल्दी रहता है दोस्तों, मिट्टी में जो
न्यूट्रिएंट्स रहता है उसे रूट ले सकता है दोस्तों। ज्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट आपका हेल्दी नहीं रहेगा, फंगस लगेगा और रूट रोट भी हो सकता है दोस्तों। नीचे आपका ड्रेनेज होल ठीक रहना चाहिए। ड्रेनेज होल अगर आपका ठीक है दोस्तों तो वैसे भी पानी ड्रेन आउट हो जाता है, गमला सूखा ही रहता है। और कोशिश कीजिएगा आप प्लास्टिक पॉट से ज्यादा मिट्टी का पॉट में लगाने के लिए, मिट्टी का पॉट बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, खासकर समर में बहुत सारा प्लांट आपका बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दोस्तों सनलाइट। सनलाइट कितना मिलना चाहिए और सुबह का मिलना चाहिए कि शाम का दोपहर का कैसा मिलना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए इंडोर प्लांट सब रहते हैं जो कि ब्राइट लाइट में चलते हैं, उनको विंडो के साइड में रखेंगे या फिर मॉर्निंग सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। दोपहर का हार्श सनलाइट में रखेंगे तो पत्ता बर्न होगा दोस्तों। तो इंडोर प्लांट सब ऐसे ही सनलाइट पसंद करते हैं। और आपका मान लीजिए गुड़हल हो गया, आपका कोई गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, इसे फुल सनलाइट चाहिए। और इनको अगर सनलाइट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है दोस्तों, ग्रोथ में नहीं आते हैं, डिजीज लगता है वगैरह वगैरह। तो प्लांट का आप टेंडेंसी देखना पड़ेगा, प्लांट का नेचर देखना पड़ेगा और सनलाइट में रखना पड़ेगा दोस्तों। समर में कुछ कुछ प्लांट को छुपाना भी पड़ता है, ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है, लेकिन विंटर में आपको फुल सनलाइट में दे सकते हैं क्योंकि बहुत नरम रहता है सनलाइट। और सभी तरह का प्लांट मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों, सुबह का सनलाइट बहुत अच्छा रहता है। सुबह से अगर 7 बजे से लेके 1 बजे तक आपका सनलाइट मिल रहा है प्लांट को, बगीचे में अगर सनलाइट आ रहा है आपका तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, प्लांट डिजीज फ्री रहेगा, ग्रोथ करेगा और बहुत बढ़िया से बढ़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समर केयर। बहुत सारे लोगों का प्लांट दोस्तों साल में जिंदा रहता है लेकिन समर में खत्म हो जाता है, तो समर केयर आपको आना चाहिए। समर में क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर अभी 45-46 डिग्री जा रहा है हमारा उड़ीसा में, मैं खासकर बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाएंगे तो प्लांट को बचाना मुश्किल रहता है। बहुत सारे लोग रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो वहां पे दोस्तों प्लांट को बचाना और भी टॉप जॉब है। तो नीचे अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो पानी अगर गीला रखते हैं तो ग्राउंड भी गीला रहेगा और वहां से मॉइस्चर आएगा तो प्लांट बच जाता है। रूटम पे दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं तो मल्चिंग या फिर ग्रीन नेट आपको लगाना जरूरी है। और प्लांट समर में अगर आप बचा लिए दोस्तों तो रेनी सीजन में फिर वहां से ग्रोथ आ जाता है। तो बहुत सारे लोग प्लांट खरीद के लाते हैं लेकिन समर में बचा नहीं पाते हैं या फिर कहीं टूर ट्रेवल्स चला जाते हैं, जब आते हैं दोस्तों तो प्लांट उनका मर चुका है। और फिर उनका बहुत बढ़िया कलेक्शन रहता है सभी का लेकिन वो कलेक्शन आपका खो जाता है और बहुत दुख भी होता है दोस्तों। मैं ऑल इंडिया सब जगह से कलेक्शन करता रहता हूँ, इसीलिए मेरा प्लांट जब भी मरता है तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं मरने भी नहीं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि प्लांट बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत मुश्किल से कलेक्शन सब बनता है। नेक्स्ट बताऊंगा दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस से बताऊंगा, हर प्लांट का आपको बैकअप रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका पोटुला का मॉसरोज जो है वो मेरे पास 6 या 7 कलर का है, लेकिन मॉसरोज क्या होता है कभी कभी रूट रोट भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सभी प्लांट का 2-3 जगह पे बैकअप करके रखता हूँ दोस्तों, उसका प्रोपागेशन करके कटिंग करके 2-3 जगह पे लगा के रखता हूँ। कोलियस भी ऐसा है, कोलियस भी देखिएगा ग्रोथ हेल्दी रहता है लेकिन फट से कभी कभी मर जाता है। तो दोस्तों कोलियस का भी बैकअप रखना चाहिए, अगर पुराना प्लांट आपका मर जाता है तो नया प्लांट से फिर आप एक कटिंग लगा के बना दीजिए। 2 प्लांट आपका जरूर रहना चाहिए और आपका गार्डन में जगह रहना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से गार्डनर वही है जो हर सीजन में फूल खिला सके। और मेरा दोस्तों गार्डन में आप 365 दिन कुछ ना कुछ खिलता रहेगा दोस्तों, कभी मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होता है क्योंकि मेरा प्लांट सिलेक्शन ऐसा रहता है और वाइड रेंज में प्लांट लगाता हूं मैं। अभी गुलाब में प्रूनिंग कर दिया हूं, गुलाब में दोस्तों रेगुलर में अपडेट भी आप लोगों को दे रहा हूं और अभी आगे लगाऊंगा आपका डहलिया के ऊपर वीडियो आएगा, पिटूनिया के ऊपर आएगा और गुलदावरी के ऊपर आएगा दोस्तों। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और आज इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।